देखने मिलेगा। लेकिन IRCTC के बारे में बता देता हूँ, इस कंपनी ने इसके पहले दिसंबर 2020 में OFS लाया था, तब जो अलॉटमेंट प्राइस था 1377 रुपये का था। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हुआ और एडजस्टेड अगर आप देखेंगे तो तब से अब तक IRCTC में करीब करीब 165 से 170% के आसपास की रैली जो है वो आ चुकी है। तो हाल फिलहाल के जो इतने OFS जो आए हैं सरकारी कंपनियों के, उनमें दो तीन को छोड़ दे तो बहुत बड़ा पैसा नहीं बना है, लेकिन हाँ IRCTC ने ज़रूर OFS के बाद से पैसा बना के ज़रूर दिया है। ओके, एक IRCTC है जिसमें पैसे बनते, जिसमें अच्छा पैसा बने। अनिल जी, वैसे रेलवे स्टॉक्स में बना है RVNL इरकॉन, क्योंकि हाल फिलहाल में रेलवे स्टॉक्स बहुत चले हैं, इसके लिए वो पैसा बना है, नहीं तो अगर आप देखेंगे तो 30% 40% ऐसे ही बना है, तो नॉर्मल स्टॉक में ही बन जाता है। IRCTC लेने के लिए सबसे बढ़िया लेवल क्या है, एंट्री कहाँ करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ये जानना चाहिए, क्योंकि ये तो लेना तो निवेश के लिहाज से। तो पालिया साहब जरा चार्ट देखिए, बताइए कौन सा लेवल आपको परफेक्ट दिखता है जहाँ पे आप निवेश के लिहाज से लेंगे, चलो निवेश नहीं तो कम से कम बजट तक के लिए। तो अनिल जी, यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट हमें लगता है वो आना चाहिए करीब 660-665 की जोन में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर इसके आसपास मिलता है तो ये लेवल अच्छा लेवल होगा, वहाँ पे सेफ्टी रहेगी और वहाँ से हमें लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि स्टॉक वहाँ से एक अपमूव वापस बनाते हुए दिखेगा। अपसाइड में जो इसके लिए मेजर हर्डल बनी हुई है वो बनी हुई है ऑलमोस्ट इसके 740-750 के जोन में, तो वो ब्रेकआउट अगर हो जाते हैं स्टॉक में तो ये स्टॉक में जो एक पुरानी जो ग्लोरी थी स्टॉक की वो वापस लौटते हुए दिख सकती है। तो 750 का ब्रेकआउट इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट डाउनसाइड में 660 के आसपास अगर ये मिलता है तो वो एक अच्छा लेवल है बाय करने के लिए। IRCTC पर पालिया साहब की राय। बग्गा साहब हमारे साथ हैं, बग्गा साहब